For more such an updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू फिल्म इश्कज़ादे से लेकर अब तक का लंबा सफर तय किया है। इस बीच सफलता का स्वाद चखते हुए उन्हें काफी समय हो गया। उनकी पिछली फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई थी। ऐसे में अर्जुन को अब अपनी नई फिल्म पानीपत से कुछ उम्मीद है। इन दिनों अर्जुन डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बन रही फिल्म पानीपत की शूटिंग में बिजी है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में अर्जुन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म में उनका अब तक का सबसे कठिन रोल नजर आएगा। अर्जुन ने वॉरियर के किरदार के लिए न सिर्फ बाल शेव किए बल्कि अपनी फिजिक पर भी जबरदस्त काम किया है। अर्जुन ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर फिल्म फेयर से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं अच्छा दिखने में सक्षम हूँ। मैं खुद ऑडियंस को लेकर ईमानदार हूँ। वे मुझे देखने के लिए 500 रुपये चुकाते हैं। ऐसे में वे मुझे वैसे देखने की उम्मीद करते हैं जब उन्होंने मुझे शुरुआती दौर में देखा था। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे हेल्थ से संबंधित कुछ समस्या थी। मैं इस बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं बचपन में मोटा था, अब दुबला हूँ। मैं लगातार इसे लड़ा हूँ। आज मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने एक्स्ट्रा वेट को कम किया है। मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बोल्ड होना पड़ा और मेरे डायरेक्टर मेरे लुक से काफ़ी खुश हैं। मुझे यकीन है मैं एक वॉरियर की तरह दिखता हूँ। इस रोल के एक निश्चित फिजिक की ज़रूरत थी और मैं इसे हासिल करने में सक्षम था। गौरतलब है कि इस फिल्म में अर्जुन कपूर के अलावा कीर्ति सेनन और संजय दत्त भी नजर आएंगे। यह फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बॉलीवुड के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HSB News।